नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। पुलिस की तत्परता से कभी कभी बड़े वारदात होने से भी बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ रेवतीपुर थाना अंतर्गत नगदीलपुर गांव के पास वाहन चेकिंग के समय हुआ, जब वाहन चेकिंग करते समय एक स्कॉर्पियो को रोकने पर दो अपराधी स्कॉर्पियो से उतरकर भागने लगे। जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा तो एक का नाम शिवशंकर मित्र मधुबन मऊ का रहने वाला तो वहीं दूसरा धर्मेंद्र तिवारी थाना कछवा जिला रोहतास बिहार का होने का पता चला। इनके पास से एक अदद तमंचा और कुल 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए शिवशंकर मिश्र ने बताया कि उसकी कथकौली गांव में मिश्रा दूध डेयरी है। इसे चलाने के लिए 2 वर्ष पूर्व 25 लाख का लोन उसके पिता ने लिया था। उसी दौरान अपने 25 लाख की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए स्थानीय निवासी पवनेश राय थाना घोसी मऊ ने राजकिशोर को दिया था। अब तक 31 लाख रुपए वापस करने के बावजूद भी वह लगातार इनके परिवार पर 20 लाख रुपए और सूद के मांग रहा था, तथा परिवार वालों का उत्पीड़न कर जबरदस्ती 4 मंडा जमीन भी एग्रीमेंट करा लिए थे और धमकी दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा नहीं मिला तो खेत लिखवा लेंगे। इन्हीं सब को देखते हुए शिवशंकर मिश्रा और धर्मेंद्र तिवारी उनकी हत्या करने की नीयत से जा रहे थे कि पुलिस की तत्परता से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिदिन चेकिंग कराई जा रही है, उसी क्रम में यशो रेवतीपुर ये हैं राजेश कुमार त्रिपाठी अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे अपने क्षेत्र में। तो बिरौपुर मोड़ पर एक गाड़ी से स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको उन्होंने टोका तो भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोक लिया। उससे 2 आदमी उतर के भागे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो शिवशंकर मिश्रा मधुबन जिला मुख्य हैं और एक धर्मेंद्र तिवारी कछवा जिला रोहतास के हैं। इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक के पास 7 और एक पास 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। इनसे जब और गहन पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि ये वहाँ मधुबन जिला मऊ के रहने वाले हैं। इनके पिता के नाम राजकिशोर मिश्रा है, उन्होंने मिश्रा दूध डेयरी खोल रखी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उसी बेला सुल्तानपुर थाना घोसी के पवनेश राय ने नोटबंदी के समय इनको करीब 25 लाख रुपए दिया था, जिसको इन्होंने धीरे धीरे करके 31 लाख करके पेमेंट कर दिया। लेकिन अब वो पवनेश राय और सूदखोरी का हिसाब जोड़ करके 15-20 लाख रुपए मांग रहे हैं और धमकी उनकी दे रहे हैं। तो उन्हीं का ये दंड करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और इन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई गतिविधि अभी प्रकाश में नहीं है, पहले का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं पता चला। ऐसा लग रहा है कि ये बदला लेने की नीयत से सो मोटो अपना ये कार्रवाई करने जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में गाजीपुर पुलिस को दूसरी कामयाबी बहरियाबाद थाना अंतर्गत मिली। बहरियाबाद थाने के रायपुर गांव के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों को रोकने का प्रयास किए, लेकिन वह भागने लगे। पुलिस ने जब दौड़ाया तब 1 बाइक सवार 2 बदमाश गिर पड़े, वहीं 1 बदमाश भाग निकला। पकड़े गए बदमाश संदीप यादव और भैयालाल यादव ग्राम बालापुर थाना बहरियाबाद के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद हुई। पकड़े गए बदमाश वाहनों के नंबर प्लेट में हेरा फेरी करके लोगों को धोखा देकर बेचने का काम करते थे। इनके खिलाफ बहरियाबाद थाने में 2 मुकदमा दर्ज है। ये कल 25/8/18 की बात है, क्षेत्राधिकारी शैदपुर और थाना प्रभारी निरीक्षक बहरियाबाद द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी बेलहरा मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार कुछ बंदी थे, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये भाग खड़े हुए, जिसे पुलिस ने दौड़ा के इनको पकड़ लिया। इनके कब्जे से अवैध असलहे और मोबाइल बरामद हुई। इनके पास जो 2 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 अपाची मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी इनके निशानदेही पे बरामद हुई, जो कई जगहों से लूटी हुई है। इसमें एक अभियुक्त संदीप यादव है, जिसके ऊपर मऊ और वाराणसी में लूट और हत्या करने के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। और दूसरा अनिल यादव है, वो भी शादात कराने वाला है, वो भी पहले भी इसमें मोटरसाइकिल चोरी वोरी की घटनाओं में प्रकाश में आ चुका है। ये बहुत अच्छा पुलिस द्वारा काज किया गया है, इससे घटनाओं में कुछ लगेगा। सर, 2 में से 1 मौके से फरार है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
जी।